नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर सेकंड में यूनिट संख्या सेकंड में रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बाद में विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपात बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जैसा कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में लाभदायकता अनुपात पर आधारित प्रश्न का या लाभदायकता पर आधारित अनुपातों का हमने अध्ययन किया। लाभदायकता अनुपात में हमने विभिन्न अनुपातों का एक संक्षेप में अध्ययन भी किया था, जिसमें बिक्री पर आधारित अनुपात थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी अनुपातों की श्रेणी में आते हैं। तो लाभदायकता अनुपातों का हमने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का भी अध्ययन किया है, उनका सॉल्यूशन भी किया है। आज हम इसी क्रम में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपातों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही विदित है, विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन पूंजी पर आधारित है। इन्वेस्टिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं या कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। विनियोजित पूंजी में मुख्यतः रिटर्न बेस पे ये होती हैं, जो कि एक प्रॉफिट को आधार लेकर के विभिन्न प्रकार के शेयरों पर ये विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपातों की गणना की जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना की जाती है, जिसमें आज हम विभिन्न अनुपातों के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। विभिन्न अनुपात हैं जो कि विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपातों को 5 भागों में या और भी विभिन्न प्रकार के हैं। मुख्यतया 5 अनुपात हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से एक अनुपात अधिकतर कुछ लिया जाता है। विनियोजित पूंजी के आधार पर यह आपके चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक है, जो कि एक विनियोजित पूंजी के आधार पर अनुपातों की गणना कर सकते हैं। विनियोजित पूंजी के आधार पर मुख्यतया अनुपात का आज अध्ययन करें तो प्रथम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैसे ज्ञात करेंगे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे, उसमें डिवाइड दे देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का, मल्टीपल 100 से कर देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेने पर कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देके 100 से मल्टीपल कर देंगे तो अपने पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसी क्रम में आगे हम रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इंटरेस्ट की गणना करेंगे। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इंटरेस्ट की गणना किस प्रकार करें? तो इसमें भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड इनटू 100। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इंटरेस्ट में प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे। इसमें हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया था, यहाँ पर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में शेयर होल्डर फंड का भाग दे देंगे, जिसमें शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड्स, अर्निंग, जो भी है विभिन्न प्रकार के फंड इसमें सम्मिलित करेंगे, रिजर्व वगैरह हैं, उसको 100 से मल्टीपल करके ये ज्ञात कर लेंगे। तीसरा, इसी क्रम में रिटर्न ऑन इक्विटी किस प्रकार से ज्ञात करें?
यहीं लिख देता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको ज्ञात करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस परफेंस शेयर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में इक्विटी शेयर होल्डर का भाग देके इसकी गणना की जाएगी। तो इस आधार पे हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड परफेंस शेयर लेंगे। इसमें नेट प्रॉफिट परफेंस शेयर कर लेंगे, परफेंस शेयर वे होंगे जिनका शोधन किया जा सकता है, उनको लेके इक्विटी शेयर होल्डर का भाग दे देंगे। तो अपने सामने रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगी। चौथा हम करें बात इसी के बेस्ड पे, फोर्थ नंबर रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल में कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटे इक्विटी शेयर कैपिटल का भाग दे देंगे। तो अपने सामने रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल आ जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवे लास्ट हम बात करें बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो रिटर्न टोटल असेट्स किस प्रकार से निकालेंगे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल असेट्स इनटू सो। इस आधार पे हम विभिन्न प्रकार के ये सूत्रों की गणना आसानी से कर सकते हैं। एक बार पुनः दोबारा आपको नियोजित पूंजी पर आधारित अनुपातों की आज चर्चा करें, तो इसमें प्रथम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 का भाग गुणा करके अपने पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। दूसरा हम बात करें रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इंटरेस्ट की, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड इनटू 100 के आधार पे इसकी गणना कर सकते हैं। तीसरा रिटर्न ऑन इक्विटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स परफेंस शेयर में इक्विटी शेयर होल्डर का भाग देके रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लेंगे। फोर्थ है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटे इक्विटी शेयर कैपिटल का भाग देके हम इनटू 100 भाग देके रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल की गणना कर लेंगे। आगे इसी क्रम में रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे टोटल एसेट्स इनटू 100 के आधार पे रिटर्न टोटल एसेट्स करेंगे, क्योंकि विनियोजित पूंजी या कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसा है कि इसमें विभिन्न संपत्तियों में या विभिन्न शेयरों में कितनी अर्निंग हुई उसके आधार पे इन अनुपातों की गणना की जाती है। इन अनुपातों में मुख्यतया विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपात आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, क्योंकि लगभग कई बार पूछ लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर अधिकतर बहुत ही कम आपके परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि आपसे प्रश्न पूछेंगे तो लाभदायकता अनुपात में से, या फिर फाइनेंशियल या चिट्ठे पे आधार पे करंट रेशियो पूछ लेंगे, क्विक रेशियो पूछ लेंगे,
या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जीपी रेशियो पूछ लेंगे, या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो पूछ लेंगे। और भी ज़्यादा हम बात करें तो इसमें और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो पूछ लेंगे, या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत आज हम बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपातों की आज चर्चा की, जो कि आपके एग्ज़ाम में अधिकतर इन अनुपातों की गणना करने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि अनुपात विश्लेषण से संबंधित हैं। अनुपात विश्लेषण एक तरह से पूरा चैप्टर बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण है। आगे इसी क्रम में हम और भी विभिन्न अनुपातों का या फिर अगले चैप्टरों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ तक ही आपके बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के सिलेबस में है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह अनुपात विश्लेषण बहुत ही उपयोगी चैप्टर है और आपके परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये माना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अधिकतर एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो अनुपात विश्लेषण में विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपातों की श्रेणी में आते हैं। अधिकतर इसमें एक प्रश्न तो पूछ लिया ही जाता है और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा अनुपात एक आदर्श अनुपातों की श्रेणी में आता है, कौन सा अनुपात है जो विभिन्न अनुपातों में सर्वश्रेष्ठ है। अनुपातों के आधार पर कंपनी या फर्म की स्थिति कैसी है, इसलिए हम एक अनुपातों के माध्यम से फर्म की, कंपनी की या फिर विभिन्न प्रकार के उपक्रमों की स्थिति जानने के लिए, उनको समझने के लिए हमें अनुपात एनालिसिस की गणना करनी पड़ती है कि कौन से अनुपात के माध्यम से फर्म की अच्छी स्थिति होगी, कैसे उनको क्रियान्वित किया जाएगा, किस प्रकार से उनको विन्यासित किया जाएगा। तो इस प्रकार विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपातों की श्रेणी में है। इस प्रकार विनियोजित पूंजी महत्वपूर्ण तरीके से क्रियान्वित की गई है। तो एक बार हम पुनः संक्षेप में दोबारा समझ लें कि विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपात, कि अपने जो इन्वेस्टमेंट किया है किसका, पूंजी पर, पूंजी का, उस पे रिटर्न कितना होता है, उससे रिटर्न अर्निंग कितनी होती है, अर्जन कितनी होती है, उसके आधार पे ये अनुपातों की गणना की जाती है। इनमें मुख्यतः रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल के अनुपात सम्मिलित हैं। इसमें प्रथम है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, दूसरा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटे शेयर होल्डर फंड इंटू 100, तीसरा रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डर टू 100 के आधार पे इनकी गणना की जाती है। अगला रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटा इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100, लास्ट रिटर्न टोटल असेट्स नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा टोटल असेट्स इंटू 100। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमने इस माह में हमने पूरे चैप्टरों का अनुपात विश्लेषण से संबंधित सभी प्रश्न हमने हल किए, उससे संबंधित प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिए जो आपको करने हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो भी इससे संबंधित प्रश्न आए वो उनको आप आसानी से कर सकें। इस प्रकार विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपात और भी विभिन्न एक्टिविटी बेस्ड अनुपात, लाभदायकता अनुपात, वित्तीय संपत्ति पर आधारित अनुपात, विभिन्न अनुपातों का हमने एक संक्षेप में अध्ययन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझा, जो कि एक आपके लिए बहुत ही उपयोगी भी हैं। तो अनुपात विश्लेषण या रेशियो एनालिसिस चैप्टर में
आप सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। एक हम आपको इन बुक्स के अलावा भी इनसे संबंधित भी हम आपको बताएं कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रैक्टिकल से संबंधित सभी प्रश्न जो हैं आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत न हो सके, आपके अंदर मनोबल कॉन्फिडेंस आ सके। जैसे कि स्वामी जी कहते थे, स्वामी विवेकानंद जी ये कहते थे कि चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके कंपटीशन हो, या आपका कोई भी टारगेट या लक्ष्य हो, उनमें एक ही बात कहते थे कि उठो, जागो, मेहनत करो, जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि निरंतर व्यक्ति को प्रयत्नशील रहना चाहिए जब तक उसको एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो निरंतर प्रयत्नशील, कठोर मेहनत, पूरी लगन, निष्ठा के साथ, आत्मविश्वास, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, आपको उचित रणनीति को अपनाते हुए, सभी तरह के जो भी आपका जो लक्ष्य है उन इन मूलभूत चीज़ों को लेते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आप अपना भविष्य सही तरीके से उजागर कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो इस प्रकार जिससे आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सकें। तो इसलिए भी स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, कि ज्ञान, जो शिक्षा की हम बात करें, कि शिक्षा का अर्थ उस पूर्णता से है जो आप में पहले से क्या है, विद्यमान है। कहने का मतलब ये है आप में पहले से उसको उजागर करना है। ज्ञान अपने को इस प्रकार का लेना है या अध्ययन अपने को इस प्रकार का लेना है जिससे अपने पैरों पर अपन खड़े हो सकें। यही अपनी सच्ची शिक्षा है। समाज में एक अच्छे आदर्श विचारों को लेके आए जिससे समाज भी उन्नति की ओर हो, समाज के साथ साथ देश का, गांव का नाम भी रोशन कर सकें। तो आगे की वीडियो में हम आगे बहुत ही उपयोगी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच।